धीरेन्द्र भारद्वाज बहुत बड़े जंजाल में फंस गए अरविंद केजरीवाल, कैसे निकलेगी आम आदमी पार्टी इससे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि फ्यूचर में कोई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कोई चैलेंज है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि तो अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं चार चार बार आमने सामने की लड़ाई में नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में करारी शिकस्त दी है। वही चीज है, वही टीस है, वही खुंदा के नरेंद्र मोदी को कि अरविंद केजरीवाल ने उनको आमने सामने की लड़ाई में इतनी बुरी तरह से कैसे हरा दिया। और ईडी को कह के नरेंद्र मोदी जी ने एक झूठी स्क्रिप्ट लिखी, उस झूठी स्क्रिप्ट के अंदर आज अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करा, उससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सबको अरेस्ट करा। 2 साल हो गए इस केस को एफआईआर हुए, 2 साल में 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है, अभी तक 54 भी ईडी को और सीबीआई को नहीं मिली। कल भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूछा कि आपके पास कोई एविडेंस है, कोई एविडेंस नहीं था। फिर और जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस बात की सुनवाई चल रही है, 22 अप्रैल की डेट डाल दी, और जैसे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट की हियरिंग खत्म होती है 2 घंटे के अंदर ईडी इन्वेस्टिगेशन करने और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन ले, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, और हम नरेंद्र मोदी के और अमित शाह की गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं है। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम नरेंद्र मोदी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी करेगी क्या? अब तो गिरफ्तार हो गए केजरीवाल, इससे पहले जो आपके नेता जेल में गए बाहर नहीं आ पाए अब तक। देखिए, हमारी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ चलती रहेगी, और कानूनी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। हमें इस देश की न्यायपालिका पे भरोसा है, और इस देश पे जब जब लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमला हुआ है, जब तक इस देश पे लोकतांत्रिक संकट आया है, तब तक देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस देश के कानून को बचाने का काम करा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे अभी हमारी अर्जी की सुनवाई होगी, और हमें पूरा विश्वास है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ देगा। और अरविंद केजरीवाल को मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल से डर किस बात का नरेंद्र मोदी को? देखिए पूजा जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से आमने सामने की लड़ाई लड़ सके, चुनाव में हमसे जीत सके। अब नरेंद्र मोदी ने अपने 2 शार्प शूटर सीबीआई ईडी लगा दी है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को बुलडोज करना है, कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, और उसी काम में लगे हुए हैं। इनका जांच कभी मकसद नहीं रहा, हमेशा एक ही मकसद था कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेल की सलाखों के पीछे डाल दो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इंडिया एयरलाइंस के बड़े नेता हैं। अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव प्रचार में जाते तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की पोल खोलते जनता के सामने, नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करते, भारतीय जनता पार्टी के करप्शन को एक्सपोज करते। और फिर मैं वही कह रहा हूं, हेमंत बिस्वा सरमा को ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी, नारायण राणे को नहीं करेगी, छगन भुजबल को नहीं करेगी, अजीत पवार को नहीं करेगी, और जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जिसने इलेक्ट्रोल बोर्ड का सबसे बड़ा स्कैम करा इस देश में, उस जेपी नड्डा को भी ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी, ना उससे पूछताछ करेगी। लेकिन ईडी गिरफ्तार करेगी अरविंद केजरीवाल को, स्कूल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल को, अस्पताल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल को, मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाले अरविंद केजरीवाल को, महिलाओं की यात्रा। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है? 9 से 10 समन लेकर कर ईडी पहुंची थी, अगर पहले ही पेश हो जाते तो जरूरी तो नहीं था कि गिरफ्तारी होती? पूजा जी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार इलीगल समन कर रहा था, और हम आज फिर कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह के कहने पे इलीगल समन भेज रहा था। उन इलीगल समन का हमने लीगल जवाब दिया है। पहला समन आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी एनफोर्समेंट डायरेक्टर को कि ये बताओ कि मुझे आप किस हैसियत से बुला रहे हो, लेकिन आज तक उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। 9 समन ईडी ने भेज दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि ये पूरे का पूरा केस एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत दर्ज किया गया है। पूरे का पूरा केस अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए गया है। पूरे का पूरा केस इसलिए करा गया कि दिल्ली में बिजली पानी जो हम फ्री दे रहे हैं वो खत्म हो जाए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाए, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाए, दिल्ली में अच्छे स्कूल बन रहे बंद हो जाए, दिल्ली में अस्पताल बनने बंद हो जाए, गरीब आदमी का इलाज ना हो, गरीब के बच्चे को उच्च शिक्षा
शिक्षा ना मिल पाए। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को डिमोलिश कर दो, उसको खत्म कर दो। और यही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म की सरकार है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के एजेंट। बोलिए आतिफ सिंह, बोलिए। राहुल गांधी भी कह रहे हैं डरा हुआ तानाशाह है, मरा हुआ लोकतंत्र बनाने की कोशिश, पार्टी को तोड़ना, अकाउंट फ्रीज करना, ईडी सीबीआई का यूज कर नेताओं को जेल भेजना, ये रणनीति है बीजेपी की। देखिए, इनकम टैक्स ने नोटिसेस भेजे, वह अपीलेट कोर्ट में गए, अपीलेट कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं हुई और इनकम टैक्स ने खाते फीस किए। अगर मैं इनकम टैक्स को नहीं पे करूंगा तो मेरे खिलाफ भी वैसी कार्रवाई होगी। ये तो ये नहीं कि ये कोई राजशाही है, यहाँ पे राजशाही पार्टी या जो लोग राजशाही में रहते हैं उनके लिए कोई अलग कानून होंगे और मेरे और आपके लिए अलग कानून होंगे। ये है इनकम टैक्स का जवाब। दूसरी बात, अभी मेरे दोस्त जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, मैं उनको अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, जरा भाषा का संयम रखिए दोस्त, आप आरोप लगाइए परंतु थोड़ा भाषा का संयम। एक जो अगली बात है कि वो ये क्यों नहीं बताते कि पिछले कितने साल से लगातार भ्रष्टाचार कर रहे थे आप, 2.5 साल से आप भ्रष्टाचार कर रहे थे, आपने अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो पॉलिसी वापस क्यों नहीं? फिर ये बात आप मना कर सकते हैं कि आपके लोग विजय नायर से मुलाकात करते थे नहीं करते थे, और साउथ की लॉबी के बीच में विजय नायर कंडूर थारी था, उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया कि विजय नायर को मंत्री का बंगला क्यों दे रखा था, वह मंत्री के बंगले से क्यों ऑपरेट करता था, विजय नायर में ऐसे क्या खास बात थी कि उसको मंत्री के बंगले से ऑपरेट करने की छूट थी। तीसरी बात, तो इन्होंने बार बार कोर्ट को अप्रोच किया, कोर्ट ने केस क्यों नहीं क्रैश किया? अभी भी ये कोर्ट में गए थे ये कहने के लिए कि हमको अरेस्ट मत किया जाए, कोर्ट ने कोई छूट नहीं दी। अब रात को भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, कोर्ट ने कहा कि हमें तो अभी ऐसी सुनवाई की बात नहीं है, भी ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी अर्जी दाखिल नहीं करी। उनमें क्या की, और जो हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है कि सारे मामले में मनी ट्रेल है और उसमें मनीष सिसोदिया का हाथ दिखता है, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है, तो अब उस जांच हो रही है और ये शराब तो सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी है ना कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इन एजेंसियों की, कहां से प्रतिशोध की भावना दिख रही है? दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हुआ, इसमें तो किसी को कोई शक है नहीं। मैंने अभी कहा ना, ये तो कांग्रेस के लोग भी कहते हैं और हम भी ये कहते हैं कि दिल्ली में शराब का घोटाला हुआ, तो ये तो दिल्ली का जनता वहां को पता कि एक के साथ एक शराब की बोतल कैसी दी गई, तो घोटाला तो हुआ। अब मामला ये कि उसकी जांच के अंतर्गत ये जो विधान डालना चाहते हैं विधान डालना चाहते हैं।